नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप एक सिविल पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 7th पे कमीशन के बाद में आपका जो रिवाइज्ड पेंशन है वो कितना होने वाला है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले से भी एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, लेकिन हमारे कुछ जो नए मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, इसलिए हमने ये वीडियो उनके लिए फिर से बनाया है। तो दोस्तों, यदि आप अपना रिवाइज पेंशन जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप के ब्राउजर में टाइप कीजिए www.pensionersportal.gov.in, और इसका जो लिंक है हम वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वहाँ से भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप पेंशनर्स पोर्टल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, और इसमें ये टॉप में जो घूम रहा है रिवाइज पेंशन कैलकुलेटर फॉर प्री 2016 पेंशनर्स, यानी 2016 से पहले वाले यदि आप पेंशनर्स हैं तो आपको ये जो कैलकुलेटर है वो यूजफुल रहेगा। और इसमें आपको दोनों तरीके से आपका पेंशन दिखाया जाएगा, एक तो नॉशनल पे के अनुसार और एक 2.57 वाला जो फैक्टर है उसके अनुसार। तो जैसे कि सरकार ने 12 मई 2017 के ऑर्डर के अनुसार कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो पेंशनर्स का नया पेंशन होगा। तो ऐसे करके आप इस पे क्लिक कीजिए, और जैसे यहाँ पे क्लिक मारते हैं तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रिवाइज पेंशन कैलकुलेटर फॉर प्री 2016 वाला एज पर 7th पे कमीशन। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना सबसे पहले कि आपका कौन सा पेंशन है, नॉर्मल पेंशन, इनहांस्ड फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन, इन तीनों में से जो भी आपका है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद में आपका बेसिक पेंशन कितना था 31 दिसंबर 2015 को, यानी 7th पे कमीशन से पहले वाला पेंशन वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आप कब रिटायर हुए थे उसका पीरियड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको डाल देते हैं कि मान लो 5,000 बेसिक पेंशन, आपका रिटायरमेंट पीरियड मान लो कि ये था 2006 और 2015 के बीच का, जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कि आपका पे स्केल कितना था 6th पे कमीशन में, मान लो कि 2800 पे स्केल था उस टाइम पर रिटायरमेंट के टाइम पे, और बेसिक पे जो रिटायरमेंट के टाइम पे था वो मान लो बनता था हमारा 11,000 रुपये, ये 11,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये डालना है जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, ये वर्ड आपको डाल देना है इसमें QUUYOF, ये डाल दिया। उसके बाद में गेट रिवाइज पेंशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो पेंशन होगा वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। यदि आप, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ पे माना है कि इतना हो सकता है, लेकिन आपके पास में ऑथेंटिक डिटेल्स हैं आपकी तो इनको यहाँ पे आप डाल लीजिए। तो ये आ गया आपका जो नॉशनल पे फिक्सेशन के अनुसार 14,600 रुपये, और 2.57 वाला जो फैक्टर है उसके अनुसार 12,850 रुपये। तो आपका जो नया पेंशन होगा वो होगा 14,600 रुपये, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार भी दोनों में से जो हाइयर होगा वो आपका नया पेंशन फिक्स किया जाएगा। उसके बाद में आपको दिया जाएगा डियरनेस अलाउंस, यानी डियरनेस रिलीफ बोलते हैं आपके लिए, पेंशनर्स के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रेजेंट में अब जनवरी सॉरी जुलाई से ये हो जाएगा 5%, तो उसके ऊपर आप अपना 5% का जो डियरनेस अलाउंस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं वो अपना बेसिक पेंशन जान सकते हैं। ये ऑफिशियल कैलकुलेटर है जो कि पेंशनर्स पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, तो एक ऑथेंटिक कैलकुलेटर है। तो ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनसे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपना पेंशन कैलकुलेट कर पाएँ एकदम एक्यूरेट।